टुडे इज द डे। अभी मैं हूँ मुंबई में, मुंबई के बांद्रा एरिया में। बज रहे हैं लगभग शाम के 6 और अभी कुछ ही घंटों के बाद परजना जो है उसकी फ्लाइट यहाँ पे लैंड हो जाएगी। फर्स्ट टाइम परजना इंडिया आ रही है, तो कुछ तैयारी करते हैं। पूरा पसीना पसीना हो गया है मुंबई की गर्मी। जाने से पहले एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ मैं आपको। ये जो सोसाइटी है, ये सोसाइटी का नाम है साहित्य सहवास। ये कलानगर के बांद्रा एरिया में है। और इस सोसाइटी की खास बात क्या है पता है? यहाँ पे सचिन तेंदुलकर बड़ा हुआ था। जी हाँ, वो यहाँ पे इस बिल्डिंग में वो रहता था। उसका भाई अभी भी रहता है यहाँ पे, लेकिन सचिन तेंदुलकर यहाँ पे बड़ा हुआ था। मेरी आंट यहाँ पे रहती है और ये मेरी फेवरेट जगह है मुंबई की। वैसे आप अगर इस चैनल पे नए हो तो वेलकम। मेरा नाम है शाम कुलकर्णी और मैं इस चैनल पे बहुत सारे टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज़ पोस्ट करता हूँ, जैसे कि ट्रैवल ब्लॉग्स, टेक रिव्यू वीडियोज़ और एयरलाइन रिव्यू वीडियोज़। और आज से मैं नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जो रहेगी 19 एपिसोड्स की, जिसमें मैं दिखाऊंगा कैटू की फर्स्ट इंडिया ट्रिप। एवरी वीक एक नया एपिसोड पोस्ट होगा, तो अगर आपको भी ये जर्नी देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को भी दबाना। और अब बैक टू द वीडियो। भैया रेड रोज में वैसा वाला बुक चाहिए। फाइनली एयरपोर्ट जाने का टाइम हो गया है। एक बहुत फ्रस्ट्रेटिंग बात यह है कि सब बाहर से आने वाली फ्लाइट्स रात को ही आती हैं, पर कोई नहीं, सह लेंगे थोड़ा सा। एयरपोर्ट आ गया हूं मैं, लेकिन फ्लाइट थोड़ी सी डिले हो गई है। ज्यादा नहीं, एक घंटा ही डिले हो गई है, तो थोड़ा आराम करेंगे। लेकिन ये देखो मैं क्या लाया हूं। यह है बुके और यह है बोर्ड। बहुत दिन हो गए मिलके, तो अगर चेहरा वगैरह भूल गई हो तो बोर्ड से तो पता चलेगा। और फाइनली और एक चीज़ मैं लाया हूँ जो है सत्कार करेंगे, सत्कार। फ्लाइट तो आ गई एक घंटे के बाद, लेकिन कैटू बाहर नहीं आया। फ्लाइट लैंड होने के बाद ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए, लेकिन फिर भी कैटू का कोई नामो निशान नहीं है। मुझे लगा कि कोविड टेस्ट के लिए पकड़ लिया होगा या फिर इमिग्रेशन में कुछ हुआ होगा, लेकिन कांटेक्ट करने का कोई रास्ता नहीं था। मैं सोच ही रहा था कि क्या करें, पर फाइनली फ्लाइट लैंड होने के करीब 2 घंटे बाद तो हुआ ये था कि ब्रिटिश एयरवेज ने उसकी एक बैग लंदन में ही छोड़ दी, तो एक बैग मुंबई आई नहीं। तो इसके लिए वो सब सॉर्ट आउट करने में टाइम लगा बाहर आने के लिए। नेक्स्ट वीक इट विल बिकम कोल्डर। लुक्स वेरी गुड। सो फर्स्ट थॉट्स ऑन मुंबई। एक्सट्रीमली हॉट। नेक्स्ट वीक इट विल बी कोल्डर। टुडे कैट इज गोइंग टू सी कैट कैफे। मुंबई में बहुत अजीब तरह के कैफे मिलेंगे और उसमें से एक है कैट कैफे। सच में ये एक यूनिक जगह है और अगर आपको बिल्लियां पसंद है तो पक्का आना यहाँ पे। बाहर एक कैफे है जहाँ पे कुछ स्नैक्स मिलते हैं, पर दैट्स नॉट द मेन अट्रैक्शन। कुछ 200 रुपीज की एंट्री फी पे करके आप खेल सकते हो इतनी सारी बिल्लियों से। मोस्ट ऑफ द कैट्स यहाँ पे जो है वो रेस्क्यूड कैट्स हैं, जो अच्छी बात है, वो अच्छा काम कर रहे हैं। इस कैफे का एड्रेस मैंने यहाँ स्क्रीन पे दिया है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अगर आपको बिल्ली के पी पूप स्मेल से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप यहाँ पे घंटों गुजार सकते हो, बट टू बी ऑनेस्ट इट स्मेल्स रियली बैड। एनी थॉट्स? It smelled really bad. Smell was very bad. Apart from that, it was good. Many sure. cats were there. I'm having a second thought about getting cats now. Yeah. Cat cafe के पास में ही है वर्सोवा बीच, तो चलते चलते सनसेट देखने हम यहाँ आ गए। मुंबई के बीचेस ऑफ कोर्स क्राउडेड ही रहेंगे, पर वी डिड एंजॉय द व्यू एंड द वेदर। Thank you.
और फिर एक मॉल भी विजिट किया। ओवरऑल आई वुड से हर फर्स्ट डे इन इंडिया वेंट वेल। तो इसी बात पे यहाँ वीडियो खत्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।